Hi everybody, this is Dhananjay, and today it's going to be a only question and answer session, okay, for all of you. Let me just introduce Moksh. Basically, Moksh is the one which places students for MBBS plus PG. India mein kafi doctors ko place kar diya hai, kafi students ko MBBS plus PG wale program mein kiya hai, only MBBS wale program mein kiya hai. So, I hope this becomes useful for you also. So, let us begin. This is going to give you a very clear picture about what are the ways in which you can choose a college, university or a country. Sarvan Man is asking, can I get admission in any private college? Bhai Sarvan, aap kisi ko bhi mat poochho ye sawal. अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलना है तो आपको नीट के थ्रू मिल जाएगा. दूसरा रास्ता जो है उसमें करोड़ रुपए के नीचे आपका काम नहीं होगा, जो मैनेजमेंट सीट है. आपको प्राइस पता होगी, किसी भी एजेंट को आप पैसा दोगे वो लेके भाग जाएगा. डेस्परेट मत हो, आराम से देखो, नीट के थ्रू मिलता है. आपका स्कोर 161 है, हो सकता है इवन 161 वाले को मिल जाए सरवान मैनेजमेंट वाला सीट. क्योंकि प्रॉब्लम यह है इंडिया में कि जिसके पास स्कोर नहीं है पर पैसा है तो उसको भी कई टाइम, लाइक लास्ट टाइम 40% सीट खाली गई थी प्राइवेट कॉलेज में, पैसा नहीं था लोगों के पास. ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन, या तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड देख लो. आप 161 अब आप क्वालिफाइड हो, आप आराम से ले सकते हो. ठीक है ना, ओके. कैन आई गेट एडमिशन विदाउट नीट? विशाल वैभव, विशाल ऐसा है, नीट के बिना अभी मुश्किल है बहुत, एक्सेप्ट फॉर जर्मनी या तो यूएसए. जो यूएस वाला प्रोग्राम है या तो जर्मनी वाला प्रोग्राम है, यही ऑप्शन है अभी आपके पास. ठीक है, अगर आप रशिया, चाइना, यूक्रेन वाला सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है. अपनी इंडियन एम्बेसीज ने सारे यूनिवर्सिटीज को जो नया रेगुलेशन है उसके बारे में बताया है. नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग योर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. रशिया में तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है सारी यूनिवर्सिटीज को. देर आर सम वेज बाय विच पॉसिबिलिटी है, बट आपको इंडिया वापस आने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना, आपको मैं बता दूं, ये आपका रोड मैप रहेगा. आप अगर नीट क्वालिफाइड नहीं हो बट फिर जर्मनी में ही सेटल होना पड़ेगा. मतलब 6 साल बाहर करो, 3-4 साल रेजिडेंसी करो और फिर वहीं पे सेटल हो जाओ. अगर आप क्वालिफाइड हो तो सारे बच्चों को हम ये 3 प्रोग्राम देते हैं वैसे भी, ताकि आप पीजी तक जा पाओ. ये एमबीबीएस टॉप कॉलेजेस अवेलेबल हैं. कैसे हम सर्च कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्च दैट, आल्सो आई कैन शो इट टू यू. ओके, इज दैट क्लियर नाउ? लेट मी गो बैक टू योर दिस वन क्वेश्चन बैंक नाउ. स्कोप आफ्टर एमडी इन चाइना, नथिंग पलक चुकानी, यू कैन नॉट. चाइना में एमबीबीएस अप्रूव्ड है, इंडिया में एमडी करने के बाद कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स का सैलरी ऑलमोस्ट इंडियन डॉक्टर्स जितना है और उसके लिए आपको ऑलमोस्ट चाइनीज लोगों की चाइनीज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज मैंडरिन सीखना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट लेट अस सी विच कॉलेज इज बेटर इन यूक्रेन. सरवान मान, भाई यूक्रेन में सिंपल है, आपका ईस्ट पार्ट पूरा वॉर जोन में है. आप सिंपल कर दो, आपको मैं बताता हूं, आप इंडियन एम्बेसी इन रशिया पे चले जाओ, एजुकेशन पे चले जाओ सेक्शन पे, और यहां पे एनेक्सर पे चले जाओ. ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं आपकी लिंक आपको इसकी दे सकता हूं. चैट मोड में आपको लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, यू कैन कॉपी पेस्ट इफ यू वॉन्ट.
सबको ये लिंक मिल गई होगी, ठीक है। एक गाइडलाइन दी रखी है अपनी गवर्नमेंट ने आपको भाई, रैंकिंग दे के रखी है, ओके, बेस्ड ऑन द कितने स्टूडेंट्स वापस आने के बाद में पास होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय एनडीई। तो आपको यूक्रेन वाला दिख रहा है यहाँ पे, आपको इंश्योर करना है कि टॉप वाली कॉलेज में जाओ, नीचे मत जाना। ठीक है, यहां पे कम है, एक या दो है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा अभी। दीज आर द थ्री टॉप यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज द वे यू कैन चेक फॉर एवरी कंट्री, ओके। यू कैन चेक फॉर रशिया, सो आपको सामने है रशियन फेडरेशन, क्रीमिया, स्मोलेंस्क, रायजान, दागेस्तान, सिंपल। ओके, सो हर कंट्री का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी यहां पे मेंशनड है, लिंक मैंने आपको शेयर की है, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। ओके, हाउ टू चूज अ कंट्री, महर्षि भाटिया। हाउ टू चूज अ कंट्री, सिंपल चीज है महर्षि, बेसिक नॉर्म है, कंट्री के ऊपर मत जाओ, रूल्स अपने खुद के बनाओ, रोड मैप पीजी तक का बनाओ, यूनिवर्सिटी पुराने से पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लो, कंट्री के ऊपर बेस मत करो। आपको मैं बता रहा हूं, जैसे चाइना के अंदर अगर आप एमसीआई का वेबसाइट चेक करोगे, पूरा का पूरा वेबसाइट में आपको जरूर मिलेगा, मैं आपको यहां पे सर्च करके दिखा रहा हूं। मैं इंग्लिश प्रोग्राम अलग है, बायलिंगुअल प्रोग्राम अलग है, हो सके तब तक इंग्लिश प्रोग्राम में जाओ, चाइनीज प्रोग्राम में मत जाओ। ये रहा इंग्लिश टॉप, ठीक है। और जैसे ही आप देखोगे नीचे जाओगे, ये तो 45 ही है, उसके बाद में इसमें आपको 200 नाम मिलेंगे आपको, पढ़ रहे हो आप। सो कंट्री के ऊपर बेस नहीं है बॉस, इट हैज टू बी यूनिवर्सिटी। हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो क्या कोई कंट्री में नहीं जाओगे? इंडिया में एम्स भी मिलेगा, इंडिया में आपको एक छोटे गांव में एक प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा जिसका 50 लाख फीस है, 100-1 करोड़ फीस है, क्या करोगे आप? डोंट गो बाय द कंट्री, गो बाय द यूनिवर्सिटी। इज इट टीचिंग यू इन इंग्लिश? इज इट अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी? इज इट ओल्ड इनफ एंड एक्सपीरियंस इनफ टू टीच यू? बेसिक चीजें हैं। 600 यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, आपकी 550 यूनिवर्सिटी इसी में खत्म हो जाती है। फिलीपींस अवॉइड करो और जॉर्जिया अवॉइड करो, यहां पे लोगों को उल्लू बना के स्कैम है एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमको ये दे के रखे हैं इंडिकेशंस, बट लोग सोचते नहीं है। इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस स्टूडेंट एडवाइजरी, स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस करते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत कंप्लेन की थी, ये पढ़ो आप। हजारों स्टूडेंट गए हैं फिलीपींस, जब जाते थे उनको पता ही नहीं था कि दे हैव टू गिव एनमैट एग्जाम विच इज एक्चुअली अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, एंड इट इज नॉट अ इजी एग्जाम टू पास। ओके, इट्स अ टफ एग्जाम, for 800 students goes, they get 200 seats for foreign students. It is a precondition for medical course. Okay?
I hope you are reading the thing. I hope you are able to understand now what I am saying. So country, अगर आप avoid कर सको, Philippines avoid कर दो. Georgia तो बहुत सारे students वापस आ गए हैं. आपको पता ही होगा. So अब सबको पता चल गया है कि Georgia is not the right destination. So these are the basic 7-8 points. अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कोई problem नहीं आने वाला. Ukraine चले जाओ, China चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. रशिया जाओगे तो टॉप वाली कॉलेज में चले जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, हर्षदा राउत, 350 मार्क्स इन नीट, आई विल रिपीट दिस ईयर, सो गिव मी सजेशन. हर्षदा, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन. ओके, मेरा देखना यह है, हर साल का मैं देखता हूं हर्षदा, कि 510 होता है वो 450 पे आ जाता है बिकॉज ऑफ द फटीग. आप कोशिश कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, अगले साल वापस बात करेंगे. एक साल बिगाड़ना चाहते हो, किसी कोचिंग क्लास के चक्कर में मत पड़ जाना कि उसने बोला कि हाँ हाँ मैं करवा दूंगा, आज तेरे में दम है, 500 मार्क 540 आ जाएंगे. 90 परसेंटाइल है, उसको 96 परसेंटाइल तक तो खींचना है. रियलिटी थोड़ा पता करके करना, ठीक है ना. अवंतिका वर्मा, फ्री में नहीं पढ़ाई होता, प्रॉब्लम है. पवन वेमो, जर्मनी देर इज अ प्रोग्राम फॉर अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आर ऑल गोइंग टू जर्मनी एट द मोमेंट. ओके, अदरवाइज जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन, बट देर इज नो रिटर्न पाथ. पवन, MBBS प्लस PG तक का प्रोग्राम है वहां पे. You will settle down over there. The whole program will be in German. If anybody is interested, I will give you the brochure and the you know, the cost factors. It generally costs, the entire MBBS program is free, but the cost of learning the language and the foundation year and the living cost goes to around 15 to 20 lakhs in the first year or for 1.5 years. Okay. So Pawan, जो यूक्रेन में 6 साल में खर्चा करोगे वो जर्मनी में 1 साल में कर डालोगे, ठीक है. पलक चुगानी, अगर प्राइवेट मिल रहा हो तो भी चॉइस अब्रॉड होनी चाहिए कि नहीं. दो ही चीज समझनी है पलक इसमें. आप चाहे इंडिया में प्राइवेट में लो, 60-70 लाख रुपया या करोड़ रुपया खर्चा करके करो, आपको नेक्स्ट एग्जाम देनी ही देनी है. जैसे आप फॉरेन से आओगे तो नेक्स्ट देनी है, वैसे ही इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस को नेक्स्ट देनी है, ठीक है. दूसरी बात कि आपको फॉरेन से आपको पीजी का रास्ता इजी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करेंगे 6 साल का. ओके, इंडिया के अंदर पढ़ोगे तो आपको लगेगा 6 साल पहले 5.5 साल पढ़ लूं, बाद में पीजी का तैयारी करूंगा. यहाँ पे पीजी की सीट नहीं मिलती, तो एवरेज सक्सेस रेशियो इज लेस देन 3% फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सीट्स इन पीजी. ओके, सो पीजी तक का अगर आपका रास्ता हो पलक, तो अब्रॉड चले जाओ. यूजी के लिए बहुत पैसा हो तो इंडिया में घर के बाजू से, घर वालों के साथ में रहना तो इंडिया कर लो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. मुझे पूछोगे तो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, प्राइवेट कॉलेज के फेवर में नहीं हूँ कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज में ले लो, क्योंकि जितना पैसा वो खर्चा करवाएंगे उसके सामने आपको पीजी तक नहीं खींच के जाते हैं. और दूसरी बात, जो चैलेंज है अभी नेक्स्ट एग्जाम का सभी बच्चों को, वो क्लियर करने के लिए तकलीफ हो जाएगी. रोहित कुमार, डू वी गेट कैडेवर्स फॉर डिसेक्शन इन चाइना एंड यूक्रेन? चाइना में डमी बॉडीज जाती है ज्यादा, आपको जो कैडेवर्स है वो इंटर्नशिप में ही मिलते हैं. यूक्रेन में आपको पीस मिल में होता है इंटर्नशिप, हॉस्पिटल विजिट्स होती है, एक साथ में नहीं होती जैसे इंडिया और चाइना में होता है. तो डिसेक्शन ऑलमोस्ट 5th ईयर में होता है, बट बाकी डमी बॉडीज और सिमुलेटेड मैनिक बॉडीज होती है, सिमुलेटेड मैनिक्विंस बोलते हैं जिसको, ठीक है ना. तो वो रिएक्ट करती है, वो वाले मैनिक्विंस अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं, ठीक है. अर्षदा, रिपीट का तो मैंने जवाब दे ही दिया आपको यार, ठीक है ना.
महर्षि बीडीएस के लिए कोई फॉरेन नहीं जाता, इंडिया में कर लो आराम से मिल जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा इंडिया में, ठीक है। इज मैथ्स कंपलसरी फॉर द फुल सिक्स ईयर कोर्स? हिमांशु, इज मैथ्स कंपलसरी? नो, नथिंग इज कंपलसरी, यू कैन डेफिनेटली हैव योर ओन सेल्फ कुकिंग ऑप्शन फॉर इन एवरी यूनिवर्सिटी। इफ यू वॉन्ट टू सेव टाइम यू कैन हैव मैथ्स, इफ यू गेट टायर्ड ऑफ देयर फूड देन यू कैन ऑफर अ सेल्फ कुकिंग, ओके। Fee comparison of private college in India and abroad. Is this clear now? Excellent.